प्रणाम टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ज्योति शुरू करी बृहस्पति दिन थप 6825 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार स नेपाल में बृहस्पति दिन थप 6825 गोटे में कोरोना पुष्टि भेलाई छ। देशभर के आल गेल 18562 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 5825 आ 3211 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में 1000 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जननी आय। ऐ संगे हाल धरि नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 5,76,936 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 75 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 7,630 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 5,904 गोटे संक्रमित नीक भेल छैक। हाल धरि नेपाल में 4,67,467 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। हाल 1,01,839 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 831 गोटे क्वारंटाइन में छैक। तहिना हाल धरि नेपाल में 31,06,938 टा पीसीआर कयल गेल मंत्रालय जननी अछि। संघीय सरकार बजट वक्तव्य मार्फत अन्य पाथर गिट्टी बालू निकासी के नीति प्रदेश नंबर 2 के मरुभूमि बनाव के योजना रहल कहित मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत आपत्ति जनौलनि। बृहस्पति दिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत मुख्यमंत्री राउत अवैध पाथर गिट्टी बालू निकासी केला सँ प्राकृतिक सम्पदा सँ अपन वास स्थान हरायब खतरा रहल उल्लेख केने छनि। मुख्यमंत्री राउत जारी केने विज्ञप्ति में कहल गेल अछि प्रदेश नंबर 2 के 70 सौ प्रसाद धरि फैलल चूड़े पहाड़ ए प्रदेश के रक्षा कवच के रूप में रहल अछि। ए प्रदेशक जनता प्रति वर्ष बाढ़ भूस्खलन पानी के समस्या आ कृषि उपज समेत के समस्या से प्रताड़ित तो होइत आयल अछि। चूड़े क्षेत्र के माटि एकदम कमजोर अछि। कमजोर भू बनोट के कारण एतो का पाथर गिट्टी निकालल गेल तो नदी के बहाव तीव्र हैत आ तीव्र बहाव से बहा कर आनल गेल बालू मधेश में जमा होइत जेबाक प्राय निश्चिते अछि। चूड़े क्षेत्र बालुआ गिट्टी के स्रोत मात्रे ने भ प्राकृतिक संपदा में समेत धनी अछि। एतो का प्रदेश सरकार माथत रहल वन संपदा के पैघ हिस्सा चूड़े भावर क्षेत्र में रहला सँ चूड़े दोहन सँ इस सब प्राकृतिक संपदा अपन वास स्थान गुमाव के निश्चित अछि। मुख्यमंत्री राउत नेपाल सरकार के एहन अदूरदर्शी निर्णय सँ प्रदेश 200 पाथर गिट्टी बालू उत्खनन करबाक योजना सँ देश के अन्न भंडार के रूप में रहल ए प्रदेश के संपूर्ण भूभाग मरुभूमिकरण भ जनता बिजली में पड़बाक निश्चित रहल आशंका व्यक्त केने छैक। ओ कहलनि वन विनाश वातावरणीय संतुलन जैविक विविधता के संरक्षण पानी मुहान संरक्षण के संगे प्रदेश के मरुभूमिकरण होब से बचाव के कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग अछि। तसर्थ नेपाल सरकार के बजट वक्तव्य के सच्याव आग्रह कर के संगे एहन कार्य तत्काल नहीं रोकल गेल तो तराई मधेश के चूड़े संरक्षण आ प्राकृतिक संपदा के रक्षार्थ प्रदेश सरकार आवश्यक निर्णय लेत। पछिला 24 घंटा में धनुषा में बृहस्पति दिन 100 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध करौने तथ्यांक अनुसार बुध दिन धरि धनुषा में कोरोना संक्रमित के संख्या 1820 रहल में बृहस्पति दिन 100 थप भेल अछि। तऽ हाल धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,563 रहल अछि। तऽ आइ धनुषा में पहिल बेर बहुत गोटे नीक भऽ कऽ घर घुरल छैक। धनुषा में आइ नीक भेनिहार 356 गोटे रहल तथ्यांक देखौने अछि। तहिना आइ धनुषा में कोरोना संक्रमण से 2 गोटे के मृत्यु भेल। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के तथ्यांक में उल्लेख अछि बृहस्पति दिन 358 गोटे पीसीआर परीक्षण करौने में 100 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल अछि। 78 गोटे एंटीजेन परीक्षण करौने में सब गोटे के रिपोर्ट निगेटिव आयल तथ्यांक में उल्लेख अछि। धनुषा में मृत्यु वाला सब में धनुजी गांव पालिका 2 रहनिहार 22 वर्षक एक पुरुष आ जनकपुर धाम महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 रहनिहार 56 वर्षक एक पुरुष रहल अछि। मृतक दुनू गोटे के विभिन्न अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल जनौल गेल अछि। धनुषा में संक्रमित मध्य 1,414 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज कराइब रहल छथि। तऽ सामान्य इलाज में रहल संख्या 108 रहल अछि। तहिना आईसीयू में इलाजरत संक्रमित के संख्या 38 रहल अछि। तऽ वेंटिलेटर में इलाजरत के संख्या 3 रहल अछि। धनुषा में हाल धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल संख्या 83 रहल अछि। धनुषा में स्वास्थ्य पूर्वाधार अंतर्गत 38 अस्पताल सेवा दैत आयल में जम्मा बेड के संख्या 617 रहल अछि। तहिना आईसीयू के संख्या 83 रहल में वेंटिलेटर के संख्या 21 रहल प्राप्त तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण सरकार लंबा समय से लगौने निषेधाज्ञा से अस्त व्यस्त भेल नागरिक सब के मिल्स एरिया युवा कमिटी संग देने अछि। जतय एक दिस जनप्रतिनिधि सब नागरिक सबक हाल खबर सेहो पूछ नै जाइत अछि, ओते मिल्स एरिया कमिटी जनकपुर धाम 11 जानकी पट्टी में 51 गोटे के राहत वितरण केलक अछि।
रस्पेदिन कमिटी के अध्यक्ष रंजीत कुमार शाह और वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष रामचंद्र शाह जानकी पट्टी गरीब तथा विपन्न 51 गोटे परिवार के राहत के सामग्री वितरण के नियाज कमिटी छठ पूजा के आयोजना में संकलन भेल बाकी रकम कमिटी सदस्य आ मिल्स एरिया सामाजिक अभियंता सब से रकम संकलन क क निषेधाज्ञा में पीड़ित बनल गरीब तथा विपन्न परिवार सब के राहत वितरण के लिए जनौनी आज कमिटी के अध्यक्ष रंजीत कुमार शाह के अनुसार एहन विकराल घड़ी में कोनो निकाय से सहयोग नहीं लाक बाद कमिटी अपने पहल क क गरीब तथा विपन्न अवस्था देख क राहत सामग्री वितरण के लिए बतौलन कमिटी अ मोहल्ला के श्रेष्ठ नागरिक आ युवा सब मिल के कमिटी हम सब मिल करके अहाँ के चला रहा छे अहाँ के भीषण महामारी तकर बाद लॉकडाउन कर कारखाना दवाई दुकान सब चीज बंद भेला के कारण से जे अहाँ के डेली कमाई छल खाई छल ओकरा सब के बहुत समस्या भ रहल है ओहि के लेल हम सब मिलसेरिया युवा कमिटी के तरफ से 51 आदमी के हम सब राहत वितरण कर रहा छी अहिमे हमरा सब के कमिटी के सदस्य पेपर से टोलावासी के पूरा सपोर्ट है उनका सब के मदद से कार्यक्रम हम कर रहा छी 51 राहत सामग्री समेत 17 सामग्री मध्य 5 किलो चौर 2 किलो दाल 3 किलो आलू 2 किलो प्याज 2 किलो आटा आधा लीटर तेल आधा किलो सोयाबीन नून धनिया हरदी मरचाई सैनिटाइजर मास्क कपड़ा धोए वाला साबुन नहा वाला साबुन चौचौ बिस्कुट लगात के सामग्री रहल कमिटी के संस्थापक अध्यक्ष अर्जुन चौधरी जानकारी देलन तेना वार्ड अध्यक्ष रामचंद्र शाह कमिटी के ने राहत वितरण कार्य सराहनीय रहल बतौलन कमिटी विगत के दिन सब में सामाजिक कार्य समय उल्लेखनीय सहयोग करते धन्यवाद व्यक्त के राहत वितरण कार्यक्रम में कमिटी प्रतिनिधि सब लगायत वार्ड के विशिष्ट व्यक्ति समाजसेवी आ युवा सबक उपस्थिति रहल छलाइन धनुषा में सवारी दुर्घटना में पड़ एक युवक के मृत्यु भेल त एक युवक गंभीर घायल भेल छैक मृत्यु भेल में धनसाधाम नगर पालिका छर हरिपुर के 17 वर्षक राजेश कुमार यादव रहल अछि त मोटरसाइकिल के पाछू सवार ओही ठाम रहनिहार 18 वर्षक इंद्रजीत सहनी गंभीर घायल भेल छैक पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत धनुषाधाम नगर पालिका 9 धारापानी स्थित आर्मी बैरिक आगू रोक कर राखल गेल ना 4 ख 3 4 7 4 नंबर के तेल टैंकर में पश्चिम से पूर्व दिश आबि रहल ज 1 प 3 4 6 3 नंबर के मोटरसाइकिल ठक्कर देने छल दुर्घटना पश्चात मोटरसाइकिल में सवार दोनों गोटे गंभीर घायल भेल छल घायल दोनों गोटे के ओही ठाम स्थित एक निजी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ना कैल गेल छल ओतय सामान्य इलाज पश्चात थप इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनवेर में यादव के मृत्यु भेल पुलिस जनौनी आज दुर्घटना संबंध में अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौनी आज नेकपा एमाले के स्थायी समिति बैसार स्थगित भेल अछि बृहस्पति दिन बेरिया 4 बजे के लेल तोकल गेल बैसार दोसर सूचना जारी नहीं होब धरि के लेल स्थगित कयल गेल एमाले ओली पक्षक एक नेता जानकारी देलनि बुध दिन बेरिया 4 बजे के लेल बजाओल गेल बैसार स्थगित क क बृहस्पति दिन बैसत कहल गेल छल एहि से पहिने बेर बेर सरैत मंगल दिन स्थायी समिति बैसार बैसल छल सप्तरी में करेंट लगला से एक महिला के मृत्यु भेल अछि जिलाक डाकनेश्वरी नगर पालिका 3 तरहीक 55 वर्षक इनर देवी राय के करेंट लागि मृत्यु भेल अछि खेत में तरकारी तोड़ गेल राय के करेंट लागल बतौल गेल अछि सुगर तथा नढ़िया से बचाव लेल खेत में नांगा तार बिछल गेल आ ओही तार में पड़ हुनक घटनास्थल में मृत्यु भेल पुलिस जनौनी अछि मृतक के लाश परीक्षण के लेल राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल में राखल गेल आ घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौनी अछि राजविराज में निषेधाज्ञा उल्लंघन क दुकान संचालन के लिए कहित 15 गोटे व्यवसायी के पुलिस पकड़ लगा स्थानीय प्रशासन लगौने निषेधाज्ञा अवज्ञा क दुकान संचालन कला से ओकरा सबके पकड़ाव कैल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी प्रवक्ता प्रहरी नायब प्रेक्षक माधव प्रसाद काफले जानकारी दिलान राजविराज क्षेत्र किराना माछ मौस सैलून मिठाई हार्डवेयर कॉस्मेटिक फलफूल लगातक दुकान संचालन के निहार 15 गोटे व्यवसायी के पकड़ने बतौलन पकड़ाल पड़ल सबके COVID-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 बमोजिम जिला प्रशासन कार्यालय जरिवाना कराक छोड़ल गेल ओ जानकारी दिलाइत प्रदेश नंबर 1 में जेठ 24 गते से बजट अधिवेशन शुरू है प्रदेश मंत्री परिषद बैसार से जेठ 24 गते प्रदेश सभा के अधिवेशन बजाव लेल सिफारिश के नियाज अभिनसर बैसल प्रदेश मंत्री परिषद के बैसार से जेठ 24 गते प्रदेश सभा के बजट अधिवेशन बजाव लेल प्रदेश प्रमुख के सिफारिश करबाक निर्णय कलक अछि सरकार के सिफारिश अनुसार आब प्रदेश प्रमुख जेठ 24 गते बेरिया 2 बजे के लेल प्रदेश सभा के अधिवेशन बजाओल जायत प्रदेश सभा के अधिवेशन आवाहन आ अंत्य प्रदेश प्रमुख सहेबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि महाराजगंज स्थित टीचिंग अस्पताल में ब्लैक फंक्स क 2 गोटे रोगी के सफल इलाज कयल गेल अछि
अस्पताल में 3 गोटे ब्लैक फंक्स से संक्रमित रोगी रहल टीचिंग अस्पतालक डॉक्टर नीरज बम जानकारी दिलाइन। दोनों संक्रमित के 10 दिन के अवधि में शल्यक्रिया कैल गया। दोसर 1 गोटे की अवस्था चिंताजनक रहला से शल्यक्रिया में समय लगाओल गेल। शल्यक्रिया के संलग्न डॉक्टर उर्मिला गुरुंग बतौली ऐसे पहिने वीर अस्पताल में सेहो ब्लैक फंक्स के सफल शल्यक्रिया कैल गेल छल। हाधरी नेपाल में 12 गोटे में ब्लैक फंक्स के संक्रमण भेटल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौनी अछि। आब आर्थिक समाचार। सोना चांदी के दाम आय बढ़ल। सोना के दाम भरी में 400 रुपया से बढ़ल तो चांदी के दाम भरी में 1500 रुपया से बढ़ल। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ आय सोना के दाम भरी में 94,900 रुपया तोकनी आय। कल सोना के दाम भरी में 94,500 रुपया छल। तहिना चांदी के दाम आय भरी में 1375 रुपया तोकल गया। कोरोना महामारी के कारण भेल निषेधाज्ञा के कारण सोना के दाम तोकल गेलाक बादो कारोबार प्राय बंदे आज। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ कोरोना महामारी के कारण विश्व में बेरोजगारी के संख्या बढ़वाक जनौनी आज। आईएलओ कोरोना के महामारी कारण विश्व में लाखों रोजगारी गुमौनी तथा नया रोजगारी के लिए तैयार रह लाखों बेरोजगार भेल उल्लेख केने आज। एवर्स कोरोना कारण 7,50,00,000 व्यक्ति के रोजगारी गुमल आईएलओ के तथ्यांक जनौनी आज। आईएलओ के निर्देशक गायराइड दोसर वर्ष अर्थात सन 2022 धरि विश्व में बेरोजगारी के संख्या 20,50,00,000 पहुंचत अनुमान कैल गेल बतौलनि। ऐसे गरीब तथा मध्यम देश में असमानता बढ़ौत ओ बतौनी छनि। संयुक्त राष्ट्र संघ कोरोना महामारी के कारण विश्व में पड़ल असर पार कर लंबा समय लागत जनौनी आज। भारत के जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी भाजपा एक नेता के हत्या भेल। विद्रोही समूह स्थानीय पार्षद राकेश सोमनाथ पंडिता के गोली दागि हत्या केने भारतीय संचार माध्यम जनौने आज। पुलवामा में बीतल रात भाजपा नेता पंडिता के गोली दागि हत्या भेल भारतीय पुलिस जनौने आज। प्रहरी के अनुसार हुनक संग में सदखन 2 गोटे निजी सुरक्षाकर्मी खटे छल। जम्मू कश्मीरक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित ई घटना के निंदा केने छथि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।